तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल कॉर्पोरेशन के तहत जो है जूनियर इंजीनियर के लिए 544 पोस्टों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। क्या ये नोटिफिकेशन सही है या नहीं है? अगर ये नोटिफिकेशन सही है तो इस फॉर्म को लेके क्या एज लिमिट रखा गया, क्या फी रखा गया, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, आपको अप्लाई का लिंक कहाँ से मिलेगा, मैं आपको इन सही सवालों का जवाब देने वाला हूँ और देखने वाला है कि क्या जो पंजाब पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत जो है जूनियर इंजीनियर के लिए 544 पोस्टों जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, क्या ये नोटिफिकेशन सही है या नहीं है, इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि पंजाब पावर कॉर्पोरेशन के तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, यहाँ पे देखते हैं हम नोटिफिकेशन ओपन करके रखे हुए हैं। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तरफ से जो PSPCL के तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, ये वही नोटिफिकेशन है। फर्स्ट ना पेज देखेंगे आपको जो है पंजाबी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा और सेकंड पेज जैसे आएंगे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कि दो पेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं जिसमें 544 पोस्टों की वैकेंसी है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन। क्या ये वैकेंसी सही है या नहीं है, क्या ये हम आपको रॉन्ग नोटिफिकेशन समझा रहे हैं या नहीं समझा रहे हैं? कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन समझा देते हैं, लेकिन आप वहाँ और नोटिफिकेशन आप कहाँ से लाए नहीं लाए उनको कोई मतलब नहीं, बस उनको ये मतलब है कि आपने उनका नोटिफिकेशन देखा। तो मेरा काम है आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देना क्या ये नोटिफिकेशन जो जारी है क्या ये नोटिफिकेशन सही है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पर आने के बाद आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। सबसे पहले किस पर आना है आपको, क्रोम ब्राउज़र पर आना है। आने के बाद आपको सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है, नया पेज ओपन कर लेना है। नया पेज ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है आपको PSPCL के सर्च कर लेंगे। आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट नेम मेंशन कर रहा है PSPCL, इस पर क्लिक करके आपको ओपन हो जाना है। जैसे इस पर क्लिक करके आप ओपन हो जाते हैं तो PSPCL का आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसके तहत किसी तरह का वैकेंसी आता है सारा यहाँ पे शो होता है। अभी हम लोग जो पंजाब पावर कॉर्पोरेशन का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं जूनियर इंजीनियर के लिए 544 पोस्टों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो नोटिफिकेशन सही है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको यह देख सकते हैं आने के बाद थोड़ा सा नीचे कर लेना है। जैसे नीचे कर लेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करेंगे देख सकते हैं मेंशन कर रहा है रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा रिक्वायरमेंट। इस रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपको ओपन हो जाना है। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन हो जाएंगे तो पंजाब पावर कॉर्पोरेशन के तहत जितना भी रिक्वायरमेंट होता है सारा यहाँ पे शो होकर आ चुका है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर CRA 303/24, इस पर क्लिक करके आपको ओपन हो जाना है। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन होते हैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। जैसे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा आप जिस साइट से ओपन करना चाहते हैं अपने साइट से वो आप यहाँ पे डाउनलोड ओपन हो जाएंगे। जैसे ओपन हो जाएंगे जैसे ये ओपन हो रहा है यानी जो PDF ओपन होने का ऑप्शन होता है उसी PDF पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि दो पेजों का ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एक फर्स्ट में देखते हैं पंजाबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और दूसरा पेज में देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आपको पंजाबी लैंग्वेज शो हो रहा है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि पंजाब पावर कॉर्पोरेशन के तहत जो है 544 पोस्टों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें जो है जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। ये नोटिफिकेशन आपको लग रहा है कि मैंने सही जानकारी दिया है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक, अगर अप्लाई स्टार्ट हो रहा है तो आपको अप्लाई का लिंक भी आपको दे देंगे ताकि आपको इतना सर्च करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप नोटिफिकेशन के लिंक पर आके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब चलते हैं स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा अगर पंजाबी लैंग्वेज मेरे से भी बाहर है थोड़ा सा नीचे करते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको बता दें इसका फॉन्ट देखते हैं, टोटल पोस्ट है 544 पोस्ट टोटल वैकेंसी है जिसमें से बात किया जाए जूनियर इंजीनियर के लिए जे सब इंस्टेशन या जे ई सिविल के तहत की वैकेंसी है। और इसका एक बात बता दें इसका फॉर्म भरना 9 फरवरी से स्टार्ट होगा और फॉर्म भरने का लास्ट डेट की बात किया जाए 1 मार्च तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और इसका फॉर्म जो है आप www.pspcl.in के माध्यम से जाकर डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट एंड सबमिशन ऑनलाइन अप्लीकेशन अपडेट 1/3/2024 के पहले आपको करना पड़ेगा। और ये डेट जिससे 5 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, ये फरवरी नोटिफिकेशन कब जारी कर दिया गया था, 5 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजाब पावर कॉर्पोरेशन का ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी है। अगर आप पंजाबी लैंग्वेज जानते हैं अगर समझ में आ रहा है तो इसमें भी देख सकते हैं कुछ कुछ आपको हम बता सकते हैं। कुल पोस्ट 544 पोस्ट में वैकेंसी है, इसका स्टार्टिंग डेट की बात किया जाए तो 9 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट की बात जो होगा 1 मार्च तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और जिसमें आपको जो है पोस्ट फॉर्म का जो है लास्ट यानी कोड की बात किया जाए 303/24 जो है इसका पोस्ट कोड है। और ये 5 फरवरी को स्टार्ट कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था जिसमें से आपको टोटल देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर फॉर्म आपको अप्लाई करना है रिक्वायरमेंट टैब देख सकते हैं www.sp
PSPCIL.in पे जाके आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पंजाब पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत जो है जूनियर इंजीनियर के लिए 544 पोस्टों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। वो नोटिफिकेशन आपको मैंने क्लियर समझाया, वही क्या नोटिफिकेशन सही है या नहीं ये भी आपको मैंने बताया। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया है और आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको हम बता दे रहे हैं कि इसका फॉर्म भरना 9 तारीख से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे इसका फॉर्म आपको किस तरह अप्लाई करना और आपको अप्लाई करने कहाँ से मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया है तो हो सके तो आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह वैकेंसी आता है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, उससे जानकारी ले पाएंगे और हो सकता है इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट होता है कुछ लोगों को सही वैकेंसी का जानकारी नहीं मिल पाता अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर वो फॉर्म का वेट करते हैं या फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वीडियो सक्सेसफुल हो पाएगा। और लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट वैकेंसी के लिए मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब रखें और आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे किस तरह इस फॉर्म को अप्लाई करना और आपको अप्लाई का लिंक कहाँ से मिलेगा। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।